अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा की तरफ से दिए गए जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने कहा है कि पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी लगातार राज्य के बड़े अधिकारियों से बात करता रहा था। पंकज मिश्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति है। पंकज मिश्रा को लेकर ईडी हर दिन नए नए और चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में जो तथ्य पेश किया है उसमें बताया है कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंकज मिश्रा कई लोगों को कॉल किया करता था। 27 जुलाई से 20 अक्टूबर 2022 के बीच पंकज मिश्रा ने 300 कॉल किए हैं। पंकज मिश्रा की राज्य के हर बड़े पदाधिकारियों और रसूखदार और से धड़ल्ले से बात हुआ करती थी। यहां तक कि जो लोग पंकज मिश्रा की पहरेदारी में जिन सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था उसका मोबाइल भी बड़े अधिकारियों से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिन मोबाइलों का उपयोग पंकज मिश्रा ने बात करने के लिए किया है उसमें से 4 मोबाइल फोन को ईडी ने जब्त किया है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पंकज मिश्रा ऐसा कर ही नहीं सकता है। बता दें कि रिम्स में भर्ती रहने के दौरान पंकज मिश्रा की हर गतिविधि पर ईडी नजर रख रही थी। पंकज मिश्रा के 2 करीबी उनके ड्राइवर सूरज पंडित और चंदन यादव को भी गिरफ्तार किया था। सूरज पंडित को 6 दिसंबर और चंदन यादव को 7 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि सर्विलांस में लगाए गए उसके एक फोन कॉल की जांच से पता चला है कि वह अपने राजनीतिक पावर का इस्तेमाल किया करता है। वह अब भी फोन कॉल के जरिए अवैध कार्यों को अंजाम दे रहा है। उसे राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वह अपने पावर को एंजॉय कर रहा है। वह इतना पावरफुल है कि साहिबगंज थाने में उस पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में उसे निर्दोष बताया गया है। उसने दुमका के तत्कालीन कमिश्नर चंद्रमोहन कश्यप को भी जहाज दुर्घटना में डीसी पर दबाव नहीं देने के लिए कहा था। वह अवैध खनन में लिप्त है। कुछ खनन क्षेत्रों में पंकज मिश्रा ने अपने सहयोगियों के जरिए अवैध कब्जा जमा रखा है। इधर पंकज मिश्रा ने दायर जमानत याचिका में कहा है कि वह निर्दोष है। अवैध खनन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ईडी उसे गलत तरीके से फंसा रही है। बरहरवा थाने में उस पर दर्ज केस के दौरान उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत पाए गए हैं। इसके बावजूद ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया है। वैध लाइसेंस के तहत माइनिंग और खनिजों का व्यापार कर रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।